विविध भारती। आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आज सुनिए हास्य नाटिका पड़ोसी का नाता। लेखक हैं दिलीप सिंह और निर्देशन कुमुद नागर का है। शर्मा जी, तो शर्मा जी, ये ख्याल आपको कैसे आया कि हम घर पर नहीं हैं? अरे दरवाजा जो बंद था। ओ, बात दरअसल ये है कि बहुत तेज हवा चल रही है ना, कमरे में धूल मिट्टी आने लगी थी, मैंने बंद कर दिया। बेटा एक बात अच्छी तरह से समझ लो, बंद दरवाजा हवा को तो रोकता ही है, ये कमबख्त पड़ोसी को भी रोकता है। अब अगर मैं बंद दरवाजा देख कर आगे निकल जाता तो आप लोग एक पड़ोसी की मुलाकात से महरूम रह जाते। बोलो, रह जाते ना? ये तो बात है शर्मा जी। लेकिन आपको क्या, आप पड़ोसी को तो कुछ समझते ही नहीं। जी आप क्या कह रहे हैं? अरे और क्या, आप बस दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे में ही मग्न रहते हैं, कुछ खबर ही नहीं कि पड़ोसी जिंदा भी है या नहीं, मोहल्ले में क्या हो रहा है आपको कुछ खबर भी है? अरे और तो और, आपको तो ये भी नहीं पता कि मेरे घुटने के दर्द का क्या हाल है। बात दरअसल ये है कि कॉलेज में काम कुछ इतना ज्यादा हो जाता है शर्मा जी कि जब घर वापस आता हूँ तो इस काबिल ही नहीं रहता कि कहीं जा सकूं। हाँ बताइए ना, घुटने के दर्द का क्या हाल है? बताता हूँ, लेकिन पहले बहू को तो बुला लो। क्यों? अरे भाई फिर उसे दोबारा सुनाना पड़ेगा। कमला, शर्मा जी आए हैं। नमस्ते शर्मा जी। अरे आओ आओ, जीती रहो बेटा। अभी अभी मैं तुम्हारे विद्वान पति को ये समझा रहा था कि पड़ोसी का नाता बहुत ऊंचा नाता है, इसे यूं ही मत समझो। लेकिन शर्मा जी मैंने ये तो नहीं कहा कि ये नाता कोई मामूली। अरे भाई कहा नहीं, लेकिन इस नाते को निभाने के लिए क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इतना भी मालूम नहीं कि मेरे घुटने के दर्द का क्या हाल है। अरे ये तो वाकई इनकी गलती है, इन्हें पूछना चाहिए ना? जीती रहो बेटा जीती रहो। अब अगर ये अपने कर्तव्य का पालन ना करें तो मैं भी ऐसा ही करूं है? जो पड़ोसी पूछने नहीं आया उसके घर जा जाकर बता रहा हूँ। क्या गजब कर रहे हैं शर्मा जी, इस तरह तो दर्द और बढ़ जाएगा। अरे तुम दर्द की बात कर रहे हो, मैं कहता हूँ चाहे जान ही चली जाए, लेकिन ये नहीं सुनना चाहता कि शर्मा जी ने पड़ोसी का रिश्ता नहीं निभाया। आप भी बस। खैर आपने अपना घुटना डॉक्टर को दिखाया था कि नहीं? लोगों के जोर देने पर गया था एक डॉक्टर के पास। क्या कहा उसने? अजी कहता क्या, पहले तो 10 रुपए घुटना देखने की फीस ही ले ली उसने। अब शर्मा जी आप समझिए ना, महंगाई का जमाना है, डॉक्टर को भी तो आखिर जिंदा रहना है। अजी उसने फिर एक और लुटेरे के पास भेज दिया, कहने लगा कि एक्सरे करवाओ, उसने और 10 का नोट रखवा लिया। ये तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अजी मैं जानता हूँ तुम कहोगे उसे भी तो जिंदा ही रहना है। जाहिर है जाहिर है। अरे फिर नुक्ता लिख कर दिया, वो मैं केमिस्ट के पास ले गया, उसने 10 रुपए गोलियों के लगा दिए, वो बेचारा भी क्या करे, उसे भी तो जिंदा रहना है। अच्छा तो शर्मा जी आपको गोलियों से कुछ फायदा भी हुआ? फायदा? बेटी मैंने वो गोलियां खाई नहीं। मगर क्यों? अरे भाई आखिर मुझे भी तो जिंदा रहना है। अगर शर्मा जी आपको डॉक्टरों पर विश्वास नहीं तो किसी हकीम को क्यों नहीं दिखा देते? और क्या, वो जो गली के नुक्कड़ पर हकीम है ना, वो तो शायद आपका मित्र है ना? वो हकीम वो मस्करा समझता है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ वहम है। अच्छा? हाँ। अरे बेटी एक दिन मैं गया था उसके यहाँ भी, कहने लगा शर्मा जो बीमारी हो तुम्हें आज कह दो, सबका इलाज कर दूंगा। फिर क्या, मैं सच सच बताने लगा कि सर में चक्कर आते हैं, आंखों के आगे अंधेरा अंधेरा सा रहता है, कानों में साए साए की आवाज आती है। सीरियस? भूख अच्छी तरह नहीं लगती, दिल धक 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 करता है, हाथ कभी कभी कांपने लगते हैं, घुटने में दर्द रहता है। अभी मैं यहीं तक पहुंचा था कि उसने मुझे रोक लिया और जानती हो क्या कहने लगा? क्या कहा? कहने लगा शर्मा मेरे दवा खाने की तमाम दवाइयां बाल्टी में डालकर पी जाओ, आराम आ जाएगा। अब तुम ही बताओ ऐसे हकीम के पास कौन जाए इलाज करवाने के लिए? अच्छा शर्मा जी कोई मोहल्ले की खबर सुनाइए, हम लोगों को तो काम काज से ही फुर्सत नहीं मिलती, कुछ पता ही नहीं चलता। अरे तो बेटा क्या हुआ, मैं किस काम के लिए हूँ, पूछो क्या पूछती हो? कोई मोहल्ले में मंगनी शादी हुई इन दिनों। अरे
क्या तुम्हें नहीं पता गुप्ता जी की लड़की की मंगनी हो गई? अच्छा हाँ। बड़ी अच्छी लड़की है ना शर्मा जी? अरे क्या कहती हो, वो लड़की तो अपने होने वाले पति को लखपति बना सकती है, लेकिन एक शर्त है। वो क्या? वो ये कि पति को पहले करोड़पति होना चाहिए। अच्छा भाई प्रोफेसर साहब, अब आप ये बताइए कि फारसी तो पढ़े हुए है ना? जी हाँ, बीए में फारसी मेरा एक सब्जेक्ट था। अच्छा तो ये बताइए कि गुफ्तो सुनील का क्या मतलब है? मुझे ये शब्द बड़ा अच्छा लगता है। गुफ्तो सुनील, कहना और सुनना, यानी बातचीत करना। और खुर्दोनोश का? इसका मतलब है खाना पीना। इसका मतलब ये हुआ कि ये शब्द गुप्तो सुनील से भी अच्छा है। जाहिर है, जाहिर है, जाहिर है। शर्मा जी, जाहिर है कि खाने पीने से अच्छी बात और क्या हो सकती है? अगर ये बात है तो आपको अब तक ये ख्याल क्यों नहीं आया कि शर्मा जी को चाय पानी को पूछना चाहिए था? आप सिर्फ गुप्तो सुनील ही करते रहे, अरे खुर्दोनोश की तो बात भी नहीं कर रहे। आप तो खुद लोगों को बातों में ऐसा लगाते हैं कि खाने पीने का ख्याल ही नहीं आता। मैं अभी चाय। अरे जीती रहो बेटा, जीती रहो। अच्छा बेटी जाओ, लेकिन देखो इतना ख्याल रखना कि चाय सिर्फ पीने के काम आती है और हम लोग बात खाने पीने की कर रहे थे। ये कौन आ गया हिस्सा बांटने वाला? मैं देखती हूँ। आओ पप्पू। दीदी क्या मेरे पिताजी आपके यहाँ हैं? हाँ हाँ अंदर हैं। पिताजी घर चलिए, आपको माँ बुला रही है। क्यों भाई, क्या हुआ? घर में जीजाजी आए हैं। ओफ, अरे तो फिर मेरे वहाँ जाने की क्या जरूरत है? जीजाजी को इधर ले आओ। हाँ बेटे जाओ, उनको यहीं बुला लो। लेकिन माँ कहती है आप घर आइए। अरे तो माँ को भी साथ ले आओ ना, ये भी तो घर है। क्यों प्रोफेसर साहब? ये भी तो आती है घर है। लेकिन माँ कहती है। अरे तो हट जाते, माँ कहती है। माँ को क्या पता कि पड़ोसी का नाता क्या होता है? जीजाजी आए, अरे तो जीजाजी आए हैं तो क्या हुआ? वो कोई सिर्फ अकेले मेरी जमाई थोड़ी है, सारे मोहल्ले के जवाई है, जिस घर में चाहे जा सकते हैं। आजकल तो लोगों का खून सफेद हो गया है। अरे भाई प्रोफेसर साहब। जी सर। हमारे जमाने में एक घर का जमाई सारे गांव का जमाई समझा जाता क्या था। बात। अरे प्रोफेसर साहब पूछना अपनी आंटी से, कई बार ससुराल गया तो अपने ससुर के घर ही नहीं पहुंच पाया, रास्ते में ही गांव वाले दबोच कर बैठ गए, कई कई दिन उनके घरों में ही पड़ा रहता था। जी, ये बच्चा है इसको क्या पता। जाओ बेटे पप्पू, अपने जीजा जी को और अपनी माँ को यहीं बुला लो। असल में आजकल पड़ोसी के नाते को कोई नाता ही नहीं समझता। क्या बात कर रहे हैं शर्मा जी, क्यों नहीं समझता? अब देखिए हम समझते हैं। लीजिए आंटी जी भी आ गए। अरे पार्वती है, तुमने मुझे क्यों बुलवा भेजा? अरे ये क्या अपना घर नहीं है? पराया क्यों है? कृष्ण आया है इसलिए बुलवाया। तो कृष्ण को यहाँ नहीं बुला सकते क्या? क्यों भाई कृष्ण है? पिताजी मैंने आने को मना तो नहीं किया था। वो तो मैंने सोचा था कि चाय मिलकर ही पिए। चाय मिलकर यहाँ भी तो पी जा सकती है। प्रोफेसर बेटा कमला से कह दो केतली में पानी और डाल दे। जी हाँ, पानी और डाल दिया है। अब बल्कि मुझे कुछ मिनट की इजाजत दीजिए, मैं कुछ खाने को ले आऊं। अरे तुम क्या तकलीफ करते? आप बैठिए, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। जरूरत क्यों नहीं है, उनके जीजा घर में आए तो क्या उसकी खातिर नहीं करेंगे? जी हाँ ये तो मेरा फर्ज है। अरे जाइए आप, इन लोगों को क्या पता अब इनको क्या क्या किस्से सुनाऊं। अरे भाई हमारे गाँव के एक आदमी ने अपनी गधी साथ वाले गाँव में बेच दी, इसी रिश्ते से हम कई महीने तक उस गांव में जाकर रोटियां खाते रहे, और ये रिश्ता बेटा उस दिन टूटा जिस दिन वो गधी मर गई। वैसे शर्मा जी हंसने की बात नहीं, उन दिनों में लोग इस बात की कद्र करते थे, लोग पड़ोसी को भगवान का रूप समझते थे, आजकल वो बात ही नहीं रही। माँ मुझे पानी पीना। अरे भाई माँ से कहने की क्या जरूरत है, है? फ्रिज खोलो और पी लो, तुम लोग इसे अपना घर ही नहीं समझते। हाँ पप्पू पियो पियो। पिताजी मैं कहाँ बैठूं? अरे कुर्सी पर, और कहाँ मेरे सिर पे बैठेगा। मैं पानी पीने गया तो मेरी कुर्सी पे कमला दीदी बैठ गई। अरे अरे मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा, ये लो मैं उठ जाती हूँ। अरे तुम क्यों उठती हो? कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर खड़ी ही हो जाऊँ। अरे भाई खड़ी होने में कोई बुराई नहीं, अपने बहन भाइयों के लिए, बल्कि इससे भी ऊंचे रिश्तेदार, मेरा मतलब है पड़ोसियों के लिए अगर जरा सी तकलीफ कर भी ली तो क्या हुआ। अच्छा आप घर चलिए, चाय तो पी ली है। ये फिर घर का चक्कर शुरू क्यों हो गया, ये क्या घर नहीं है। कृष्ण आपसे एक प्राइवेट बात करना चाहता है। बस इतनी सी बात? अरे प्रोफेसर बेटा तुम्हारा जीजा मुझसे और अपनी सास से प्राइवेट बात करना चाहता है, आप जरा बाहर हो जाइए। जी हाँ बाहर, एक ही तो कमरा है। कोई बात नहीं, आइए जी हम लोग बाहर गली में ही खड़े हो जाते हैं।
मैंने कहा सुनते हो, ये मकान हमारा ही है ना? सच पूछो तो यकीन नहीं आता। तो क्या ये लोग रात को हमें सोने देंगे इस मकान में? क्यों, सोने क्यों नहीं देंगे? तुम्हें विश्वास है कि ये मकान हमारा है? नहीं। तो फिर क्यों सोने देंगे? इसलिए कि हमारा उनका एक बहुत ही गहरा नाता है, पड़ोसी का नाता। अरे भाई प्रोफेसर है? अरे हमारी बातें तो खत्म हो गई बेटा। जी शर्मा जी। अरे बेटा अब तुम्हें क्या बताएं, ये जो तुम्हारा जीजा है ना, अब ये 3-4 दिन यहीं रहेगा। तुम जानो हमारे घर में तो जगह है नहीं, तुम्हारे यहीं टिक जाएगा है। अरे बेटा है। लेकिन सुनो हा? हमारे पास कौन सी लंबी चौड़ी जगह है? निभाओ ना, यही तो है पड़ोसी को नाता। अरे जियो बेटा, प्रोफेसर जियो, क्या निभाया है तुमने पड़ोसी का नाता। जी हाँ पड़ोसी। आप सुन रहे थे दिलीप सिंह की लिखी हास्य नाटिका पड़ोसी का नाता। निर्देशक थे कुमुद नागर। अब आज का हवा महल समाप्त होता है।